हेलो क्लास, थोड़ा सा काफ़ी लंबे समय बाद आज हम फिर आपसे के पास कुछ लेकर आए हैं, है ना। थोड़ा इस बीच में मोबाइल इशू हो गया था जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। मोबाइल इस बीच गर्मी बढ़ने में से हीट ज़्यादा हो रहा था तो काम नहीं हो पा रहा था, पूरा वीडियो पूरे बन नहीं पा रहे थे। पहले बाकी क्लासेस बन जाते थे, आपका हमेशा रह जाता था, हर बार आपका पीछे बनता है, बाद में बनता था तो रही। आज हमने पहले बना लिया, हमने कहा पहले आपका बना लेते, उसके बाद देखते हैं दूसरे का वीडियो, किसी दूसरे का आज मिस हो जाएगा तो चलेगा। लेकिन आपका बहुत दिन से मिस हो रहा था इसलिए आज हमने आपको पहले प्रेफरेंस दी है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप सहयोग कर रहे हैं, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम आपको भी सहयोग करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो अब हमारा अगला टॉपिक है ड्रॉ द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट मतलब समझ रहे हैं, स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर आपको दे सकते हैं। अब रियल नंबर 9 होता है, रियल नंबर 10 होता है। अब रियल नंबर जो देंगे वो पता है इस तरह का देंगे, ऐसे देंगे, कहेंगे ड्रॉ अंडर रूट 6.3, कहेंगे इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इसको ब्रैकेट में इसीलिए लिख दे रहे अंडर रूट एक्स का फॉर्मेट, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो क्या करना है, ड्रॉ द स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं उसको सीखने जा रहे हैं, उस पैटर्न को सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, इस चीज को जरा समझने का प्रयास करें। सबसे पहले आइए हम जरा समझते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी डिस्टेंस वो कहते हैं, मान लीजिए जैसे हमसे कहें ड्रॉ अंडरवुड एक्स, अंडरवुड एक्स को ड्रॉ करना है ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। एक जनरल बात पहले करते हैं, बिल्कुल जनरल, इसको वेरीफाई करके पूरा दिग्गज इसको समझ लेंगे तो फिर आपने अपने आपसे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले जैसे मान लिया अंडर रूट एक्स, अब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4.3, 7.5, है ना, 8.3, कुछ भी हो सकती हो। तो आपको करना क्या है, आप सुनिएगा ध्यान से, ड्रॉ ए लाइन ए बी इज हुज डिस्टेंस इज ठीक है, whose distance is x। अगर आपको ऐसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर बगल में लिख दे रहे हैं अंडर रूट 6.3 को ड्रॉ करने कहा गया, तो आप एक लाइन ड्रॉ करिए जो 6.3 सेंटीमीटर की हो, 3.3 सेंटीमीटर, 6.3 यूनिट, यूनिट मतलब आप सेंटीमीटर में लें सेंटीमीटर अच्छा है, इंच में लें इंच अच्छा है, जिसमें आपको अच्छा लगे। सेंटीमीटर लेंगे बहुत छोटा छोटा बनेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो आप किस में लेंगे, इंच में। बड़े बड़े खाने जो होते हैं स्केल में देखा होगा ना, बड़े बड़े खाने उनको इंच बोलते हैं, है ना, उसमें ले लीजिए। तो 6.3 को ड्रॉ कर दिया आपने, फिर क्या करना है सुनते जाइएगा एकदम ध्यान से। हमने क्या किया, ए बी को ड्रॉ कर दिया, यानी ए बी हमारी कितनी हो गई, अलग लिखते चलिए यहाँ पे साइड में, ए बी हमारी कितनी हो गई, जिसकी लेंथ कितनी है, एक्स है, ठीक। अब इसके बाद आपको करना क्या है, बी टेक, बी के आगे बी को टेकिंग एज सेंट, बी को सेंटर ले लीजिए और उससे एक यूनिट डिस्टेंस आगे और ड्रॉ कर दीजिए अपनी तरफ से, एक यूनिट डिस्टेंस बी को सेंटर लेना है। यहाँ पे क्या करना है, बी को टेकिंग एज सेंटर और ड्रॉ वन यूनिट ऑन इट्स, तो क्या करेंगे, फ्रॉम द पॉइंट बी मार्क ए डिस्टेंस, फ्रॉम द पॉइंट बी मार्क डिस्टेंस वन यूनिट एट सी, कहां तक, वन यूनिट डिस्टेंस तक, सी तक ड्रॉ कर दीजिए, तो ये सी पॉइंट मिलेगा। तो ठीक है, अगले लेक्चर में लिखवा देंगे आपको कैसे स्टेप्स लिखने होंगे। मार्क ए पॉइंट बी ऑन द लाइन सच दैट, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की ए बी व्हिच इज इक्वल टू एक्स, फिर उसके बाद हमने क्या किया, फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट बी मार्क द डिस्टेंस ऑफ वन यूनिट, मार्क द डिस्टेंस वन यूनिट, कितनी यूनिट है ये डिस्टेंस, ये वन यूनिट, यानी बी सी हमारी कितनी हो गई सर, वन यूनिट, ध्यान रखना वन यूनिट, ये भी यूनिट में चल रहा है, 6.3 यूनिट। अब यूनिट आपने क्या लिया है, इंच लिया है तो इंच है, और सेंटीमीटर लिया तो सेंटीमीटर है, मीटर लिया तो मीटर है, जिसमें आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो यूनिट है, उसके अकॉर्डिंग वन यूनिट और बढ़ा दीजिएगा, शुरुआत में डिजाइन कर चुके होंगे, ठीक है। एंड गिव द पॉइंट नेम, अब इसको मार्क किया, क्या किया कि बी को टेकिंग, बी को एज सेंटर लेकर के वन यूनिट मार्क करके इस पॉइंट का नाम सी दे दीजिए। तो एक जरा बात बताइएगा, तो ये ए सी कितनी हो गई टोटल, ए सी सर एक्स प्लस वन हो गई, जाहिर सी बात अगर ये एक्स है तो ये एक्स प्लस वन हो जाएगी। अच्छा, अब आप एर्थ में जाइए, आपको एर्थ में किसी लाइन का बाइसेक्टर करना सिखाया गया होगा, बाइसेक्टर करना क्या करते थे, आप एक कंपास लेते थे, उसमें
जो भी लाइन का बाइसेक्टर करना तो उससे आधे से ज्यादा डिस्टेंस, जैसे ये आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर एक ऊपर ऐसे कट मारते थे, एक नीचे, फिर वही चाप लेकर इधर और फिर इन दोनों पॉइंट को कैसे मिला देते थे, तो आपका ये क्या बन जाता था, बाइसेक्टर ऑफ द लाइन बन जाता, बनता था कि नहीं बनता था। हमारे पास, हमारे पास तो कोई है नहीं ऐसी चीज, तो हम ऐसे आपको बनाना समझा रहे हैं कि आपने क्या किया, ए को सेंटर लिया और टेकिंग डिस्टेंस ऑन द आर्क एक्स प्लस वन बाई, मतलब ग्रेटर देन एक्स प्लस वन बाई टू, एक्स प्लस वन की जितनी डिस्टेंस उससे ज्यादा, उसके बाई टू से ज्यादा की डिस्टेंस आपने लेकर के ये आर्क लगाया और एक मिडिल पॉइंट मिल गया। इसका नाम क्या दे दिया, ओ दे देंगे, क्या दे दिया। तो एक बात बताइए, ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी, एसी थी ना, कितनी, एक्स प्लस वन। तो अब जब आपने इसका बाइसेक्टर कर दिया तो ओए और ओसी दोनों बराबर होंगी, कितनी होंगी, एक्स प्लस वन बाई टू, बताइए सही है कि नहीं। पूरी डिस्टेंस x प्लस वन, यहां से यहां तक ये x थी, ये 1 थी, उसको हटा देते, लिखा बगल में यहां पे है ना, ये x थी, ये 1 थी, तो टोटल x प्लस 1 हो गई। जब आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो AO और BO, सॉरी AO और OC दोनों बराबर होंगी, कितने के बराबर होंगी, पूरी डिस्टेंस के आधे के बराबर होंगी, x प्लस 1 बाई 2 हो गया। अब क्या करना, सुनते जाना ध्यान से, फिर नाउ टेकिंग O एज अ सेंटर एंड टेकिंग O एज अ सेंटर एंड OA एज अ रेडियस, और OA को रेडियस लेकर एक सर्किल ड्रॉ कर दीजिए ऐसे सेमी सर्किल इस तरह से। तो भैया जब OA को सेंटर लेकर चलोगे, O को सेंटर लिया और OA की रेडियस भरोगे, ये डिस्टेंस बराबर है, तो ये सर्किल जो बनेगा A से भी होके जाएगा, C से भी होके जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड आउट द मिडिल पॉइंट ऑफ AC, AC का मिडिल पॉइंट निकाला। तो यहां क्या लिखेंगे, स्टेप जब लिखी जाएगी तो फाइंड आउट द मिडिल पॉइंट ऑफ AC एंड मार्क इट एज O, O के तरफ रूप में इसको मार्क कर देंगे। फिर टेकिंग O एज अ सेंटर ड्रॉ ए सर्किल हुज रेडियस इज OA आर OC, हुज रेडियस इज OA आर OC, या तो रेडियस OA है या तो रेडियस OC है, दोनों के बराबर होगी। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दें आप, नहीं यहां तक समझ में आ गया होगा। अच्छा आप सुनते जाना एकदम बड़े ध्यान से, एकदम ध्यान से समझना। हमने क्या किया, इस B पॉइंट पर, ये जो B पॉइंट था, इस B पॉइंट पर आपको क्या करना है, AC, B पॉइंट पर AC के पर, AC जो AC लाइन है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना है AC पर, AC लाइन पर B पॉइंट पर क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। कैसे बनाते थे परपेंडिकुलर, अर्थ में जाइए, एक आर्क लगाई, ये कट किया, ये कट किया, ये 120 हो गया, 120 और 60 का हाफ किया, 90 ऐसे आता था, आता था नहीं आता था, 90 डिग्री बनाना, परपेंडिकुलर बनाने का तरीका सिखाया वो, 90 एंगल बना दीजिए, क्या बना दीजिए, 90 एंगल बना दीजिए, तो 90 एंगल बन गया ये ऐसे। कैसे बनाते थे फिर से दिखाते हैं आपको, 90 एंगल कैसे बनाते थे, किसी पॉइंट पर ऐसे आर्क लगाते थे, इसी पॉइंट पर बनाना थे, ऐसे आर्क लगाए, लगा दिया है ना, फिर क्या करते थे, उसी आर्क को यहां रखा, एक कटिए और कटिए, ये 60 हो गया, ये 120 हो गया, 60 और 120 का जो मिडिल होगा है ना वो 90 बनाता था, तो एक यहाँ पे आर्क रखा, यहाँ कट मारा, फिर यहाँ से रखा, यहाँ मारा, और इसको ऐसे मिला के 90 नहीं बनाना आता था। तो वही काम किया आपने, बी पर क्या कर दिया, बी पर ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन बी, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन ए सी एट बी, फिर से सुनिए, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन ए सी एट बी, बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, विच इज कॉल्ड बी डी, जिसको हम क्या बोलेंगे, BD बोलेंगे। चलिए सर अब जरा ध्यान से देखते हैं कि किस चीज को समझना है। अच्छा इसके बाद क्या किया हमने, इसके बाद इस O को D से मिला दिया। तो एक बात बताइए, O is the center, D is the point of the circumference, यानी OD की सब रेडियस हो गई सर, OD की रेडियस कहलाएगी सर, OD, OD क्या कहलाएगी, रेडियस, और किसके बराबर होगी, OA के बराबर होगी और OC के बराबर, यानी OD की वैल्यू भी x + 1 / 2 ही कहलाएगी सर। देखते जाइएगा OD कितनी कहलाएगी, x प्लस वन बाई टू। क्वेश्चन को समझना अभी जब लास्ट पहुंचेगा ना तब समझ जाएगा, अच्छा ये कर के आ रहे थे हम लोग, हम आपको जनरल तरीके, हम जब ये कहेंगे कि ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम लोग अंडर रूट x बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, उसका पूरा डेरिवेशन वेरिफिकेशन देख रहे हैं पूरा। तो OD कितनी हो गई सर, x प्लस वन बाई टू, क्योंकि OD इज द रेडियस, क्या है ये रेडियस है, रेडियस है, और रेडियस किसके बराबर हो गई, OA के बराबर हो गई, OC के बराबर हो गई, यानी x प्लस वन बाई टू बन गई। अच्छा एक और बात आई अभी, जरा आइए जरा, ए बी कितनी थी, एक्स थी, ओ ए कितनी है, एक्स प्लस वन बाई टू, तो सर ओ बी कितनी होगी, जरा ध्यान देना, ओ बी इज इक्वल टू, ओ बी, ओ बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ओ
AO, AB माइनस AO, AB में से अगर AO को घटा दे तो भी निकल आएगी। AB कितनी है x प्लस x है पूरी, AB कितनी है x है और AO कितनी है x प्लस 1 बाई 2 है। एलसीएम ले लो जरा कितना एलसीएम आया 2 आया, मुझे x आ गया माइनस का x माइनस का 1, कैलकुलेशन करा x माइनस 1 बाई 2, चलिए बहुत बढ़िया। OB कितनी निकल आई x माइनस 1 बाई 2। यहां तक समझ में आ गया, उम्मीद है समझ में आ गया। अब जरा देखिए इन ट्रायंगल इधर आ जाते हैं साइड में, इन ट्रायंगल ए सॉरी ओ बी डी पाइथागोरस लगा दो, क्या लगा दें पाइथागोरस, पाइथागोरस जानते हैं ना, पाइथागोरस अप्लाई कर दी, क्या आ जाएगा ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक मार्कर बदल लें, थोड़ा डल हो रहा है, हाँ इसको थोड़ा यहाँ पे ऊपर ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD, OD हमें क्या निकालें BD की वैल्यू निकाल दो, BD स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, BD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर के, यहां तक सही है। चलो वैल्यू बताओ, OD की वैल्यू कितनी, OD की वैल्यू x + 1 / 2 में रख दीजिए यहां पे, x + 1 / 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस OB कितनी है, OB ये निकाल लिया आपने x - 1 / 2 का होल स्क्वायर। अब इसको जरा कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करिए, चलिए इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, यहीं सामने खोलते चले जाते हैं, इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर आएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बाई 4, चेक कर लेना a स्क्वायर b स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, a प्लस b का, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस यहां पे कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 4, चेक करो गलत सही डिसाइड करो जल्दी से, सही है ना। इसको जब और आगे कैलकुलेट करके लाओगे, यहां पे लाइन से खींच देते हैं, यहां पे कैलकुलेट करके ले जा रहे हैं, एलसीएम 4 आएगा, हां आ जाएगा सर, चार एलसीएम आएगा ना, हाँ चार आएगा, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा, चलिए अब इसको झुका दिया मैं, थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा है ना, तो जरा लिखिएगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, x प्लस 1 प्लस 2x, ब्रैकेट खोलेंगे माइनस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, देखो जब ये माइनस खोलोगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, लिख दिया x स्क्वायर कट गया, 2x से 2 से 1 से 1 कट गया, 4 2x और 2x जुड़ गए, इसको ऊपर ले रहे हैं यहाँ पे, यहाँ क्या लिख दिया 4x अपॉन 4, यानी bd स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल आया, ये bd की वैल्यू आ रही है, bd स्क्वायर की वैल्यू, तो bd स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया x, तो bd किसके बराबर आ गया अंडर रूट x के बराबर आ गया, यानी bd की जो वैल्यू है यही तो रूट x है सर, यही है रूट x। अब करना क्या है आपको, आपको कुछ नहीं करना है, आपको नंबर लाइन पे किसको ड्रॉ करना है, bd को ड्रॉ करना है, तो ध्यान से सुनते जाइएगा एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से। bd की लेंथ कितनी हो गई, bd की लेंथ कितनी हो गई अंडर रूट एक्स के बराबर हो गई ना, तो अब क्या करेंगे इस बी को ओरिजिन मान लेंगे, ओरिजिन मतलब जो नंबर लाइन का ओरिजिन होता है, और बी डी के आर्क भर लेंगे किसमें, कंपास में, ऐसे भर लिया ऐसे, आप इसको सेंटर माना, इसकी कंपास में आर्क भर लेंगे ऐसे, भरने के बाद एक कट ऐसे मारेंगे जो इस लाइन को यहाँ पे नहीं कट करेगा, इस पॉइंट का नाम जो होगा कोई नाम दे दीजिएगा, बी हो गया, सी डी, डी भी लग गया, कौन सा नाम ई दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, ई नाम दे देते हैं, ई नाम दे देंगे, तो ये जो बी होगी ना बी, तो बी इज कॉल्ड अंडर रूट एक्स, बी की डिस्टेंस, भाई आपने बी डी की आर्क भरी ना, तो जितनी बी डी होगी उतनी तो बी होगी, तो बी नंबर लाइन पर ये डिस्टेंस जो आएगी, ये डिस्टेंस जो कहलाएगी, इसको अंडर रूट एक्स बोलेंगे, इसको अंडर रूट एक्स बोलेंगे, ये प्रोसीजर आपको यूज करना बेटा, इसको समझिएगा, करिएगा, तरीका समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छे से समझिएगा, मतलब प्रोसीजर क्या है, मतलब इस टॉपिक का प्रोसीजर क्या है, आपको ऐसे दे देंगे क्वेश्चन, ये लिख के दे देंगे ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ये आएगा कहेंगे इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये क्या करना है समझाते हैं फटाक से, यहाँ पे देखते हैं 6.3 लेंथ की एक डिस्टेंस खींच ली, ए बी नाम दे दिया, फिर बी पे एक यूनिट, बी पर बी को सेंटर लेकर के बी सी के, बी सी ड्रॉ की, बी सी ड्रॉ की जो कितनी यूनिट की है 1 यूनिट की, बी सी आ गई, फिर ए सी का क्या किया, मिडिल पॉइंट निकाल लिया जिसका नाम कौन है ओ है, क्या नाम है ओ है, ओ को सेंटर लेकर के एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, मिडिल पॉइंट निकालना आता है, बाइसेक्टर पे मिडिल मिल जाएगा, ये सर्किल बन गया, ठीक ये सर्किल बन गया, सर्किल बनने के बाद क्या करेंगे, बी पर कहां पर, बी पॉइंट पर एक राइट एंगल बना देना, क्या बना देना राइट एंगल, राइट एंगल कैसे बनाते हैं प्रोसीजर आपको पता है, ऐसे लेंगे इस तरह से कट कट 90 आ जाएगा, ये राइट एंगल बन गया, इस पॉइंट का डी नाम दे देना, ये जो बी डी होती ना यही अंडर रूट 6 के बराबर, अंडर रूट 6.3 है, फिर बी डी का आर्क लेना और एक कट मार देना, तो ये जो बी आएगी ये अंडर रूट ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, अंडर रूट 6.3 को रिप्रेजेंट, ये प्रोसीजर आपको यूज करना है, ये क्वेश्चंस इस तरह के मिलेंगे, उसका मैं पूरा वेरिफिकेशन आपको सामने रखा हुआ है, करिए इसको नोट करिए अच्छे से, पहले इसको इसको पहले नोट करके सवाल लगवाते हैं, तो इस तरह के माहौल आपको, ये थोड़ा अजीब टाइप का टॉपिक है ना, जब आप इसको दो तीन बार समझोगे लगाओगे तो मतलब आपको ये क्या किया गया कि ये अंडर इसको इस डिस्टेंस को रूट एक्स कैसे बोलते रहे,
उसका पूरा प्रोसीजर समझाया कि हाँ सर ये रूट एक्स के बराबर होगी, ये रूट एक्स के बराबर होगी डिस्टेंस। अगर ये रूट एक्स है तो इसकी जब हम आर्क मारेंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगी बी, ये उस अंडर रूट एक्स की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। उसका पूरा वेरिफिकेशन करके आपको समझाया गया पूरा वीडियो का, है ना। नोट कर लीजिए, इसको हटा देते हैं, ये इसकी कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे थोड़ा हॉच पॉच है तो यहाँ थोड़ा सा देखिए ये ओडी लिखा हुआ है, इसको हटा के थोड़ा आगे पहुंच इधर लिख देते हैं, यहाँ पे हटा के आगे लिख देते हैं, ओडी को नहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा कौन हो गया ऐसे पॉइंट, यहाँ ओडी लिख देते हैं। ओडी इज इक्वल टू कितना, एक्स प्लस वन बाई टू, ये क्या है रेडियस है, रेडियस। अब नोट करिए आप अच्छे से, हॉच पॉच नहीं है, अच्छे से नोट करिए। इसको डॉट रफ कर देते हैं ऊपर से, आप क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। इसमें स्टेप्स लिखने पर ये एक आपका कंस्ट्रक्शन टाइप का क्वेश्चन, इसमें स्टेप्स लिखने होंगे आपको। क्या किया, सबसे पहले ड्रॉ ए बी, ठीक है, ड्रॉ ए बी एज गिवन डिस्टेंस, जो भी क्वेश्चन है डिस्टेंस दी जैसे 6.3, तो ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 6.3, ड्रॉ ए लाइन ए बी इज इक्वल टू 6.3, ठीक ठीक। आगे फिर उसके बाद ड्रॉ वन यूनिट डिस्टेंस, ठीक है, बी को सेंटर ले लिया, B को सेंटर मार, टेकिंग B एज सेंटर, ड्रॉ वन यूनिट एज BC, फिर क्या हो जाएगा, मार्क द मिडिल पॉइंट ऑफ AC, मार्क द मिडिल पॉइंट ऑफ AC एज O पे मान लेंगे, फिर टेकिंग OA एज द रेडियस एंड ड्रॉ ए सेमी सर्किल, O ड्रॉ ए सेमी सर्किल, सेमी सर्किल ड्रॉ कर देंगे। फिर उसके बाद अगली स्टेप क्या होगी, अगली स्टेप होगी मेक द राइट एंगल एट B या परपेंडिकुलर एट B ऑन AC, मेक द राइट एंगल एट B ऑन AC, AC पर परपेंडिकुलर बनाना है, बना दिया, वो इसको जो सर्किल को कहीं ना कहीं कट करेगा, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो सर्किल को किसी पॉइंट पे कट करेगा, उस पॉइंट का नाम D दे देना है, क्या नाम दे देना है D। तो ये जो डिस्टेंस, ये सेंटर है, ये सर्कमफेरेंस है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी ना, तो ये OD भी तो किसके बराबर हो गई, रेडियस के बराबर हो गई, यानी OA और OC और OD तीनों बराबर कर दी गई, बराबर कर दी गई, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी गई। तो ये जो डिस्टेंस होती है BD, ये डिस्टेंस ही हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अंडर रूट एक्स को, देखो ये करके हमने दिखाया कि BD ये अंडर रूट एक्स के बराबर होती है, देखो निकल के BD कितनी है, अंडर रूट एक्स, ये पूरा प्रोसेस इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो आपको OB निकालनी पड़ेगी और OD निकालनी पड़ेगी, OD ये पड़ी, OB निकालने का तरीका AB में से AO को घटा दीजिए, AB में से AO को घटा दिया, ये वैल्यू निकल आई, फिर इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, कैलकुलेशन करते चले गए, ये देखिए निकल के अंडर रूट एक्स आ गया, ये प्रोसीजर यूज करना है, ठीक है। हाँ चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे ऑब्वियस, जैसे आपसे कहा जाए ड्रॉ 4.3 या 4.7 कुछ भी बोल दें, ड्रॉ अंडर रूट 4.7 को ड्रॉ करना है, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चन लिख के आएगा, क्वेश्चन रिप्रेजेंट करके लिख के आएगा, तो उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, है ना, इस तरह से चलिए आगे बढ़े, तो रिप्रेजेंट 4.7, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन ए बी ऑफ 4.7, कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, 4.7 सेंटीमीटर या इंच, जो भी आप यूनिट लेना चाहे वही यूनिट लेना, उसी उतनी ही यूनिट को आगे इसमें एक सेंटीमीटर बढ़ाना, एक यूनिट बढ़ाना होता है, ये ए बी हो गई, ये कितनी है 4.7 सेंटीमीटर की, इसकी लेंथ कितनी 4.7 है, फिर क्या करना है आपको, इसमें जो वन यूनिट बढ़ा देना है, एक पॉइंट मिलेगा सी, अब ए सी का क्या करना है, बाइसेक्टर करना है, काय के लिए, ऑप्टेन द मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट ऑफ ए सी, फाइंड द मिडिल पॉइंट ऑफ ए सी एंड मार्क इट एज ओ, ओ मान लेंगे, फिर ओ को टेकिंग एज अ सेंटर, ड्रॉ ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बना देंगे, फिर बी पर क्या बनाना है, एक राइट एंगल बनाना है, विच इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ए सी पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये लाइन आ जाएगी ऐसे ऐसे सीधे सीधे, इसका नाम डी दे देना, ठीक, ये जो बी ओ डी होगी ऐसे ओ डी, ओ डी और ये सब आपस में बराबर होंगी। अब ये बी डी की लेंथ आई है ना, इस बी डी की जब आर्क बना के बी को सेंटर मार करके आप ड्रॉ करो तो नंबर लाइन की ये जो डिस्टेंस आएगी बी, ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, अंडर रूट 4.3 को रिप्रेजेंट करेगी। अगर ए बी अंडर रूट 4.3 है तो अंडर रूट 4.3 बनेगी, अगर ये वैल्यू कुछ और है तो ये वैल्यू कुछ और आएगी, उसी के हिसाब से ड्रॉ हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन कॉपी पे मिलेंगे, किताब पे मिलेंगे, इनको करना सीखना है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, समझ में आ गया। इसके आगे एक छोटा सा टॉपिक और है, छोटा सा इस एक्सरसाइज का एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चंस कुछ इस तरह से भी मिलेंगे आपको, जैसे कहेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल नंबर बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का यूज करके आपको क्या करना होगा, ड्रॉ करने
जैसे आपसे कहा जाए कि हमको 4.26 जैसे आपसे कहा जाए इसको नंबर लाइन मैग्निफिकेशन का यूज करना है 4.263 इसको ड्रॉ करना है किस पे नंबर लाइन पे। तो सबसे पहला काम क्या है नंबर लाइन ड्रॉ बना ली अच्छे से थोड़ा ऊपर से बनाते हैं कि उसमें नीचे तक जाना है ना यहाँ पे बना ली नंबर लाइन इसका नाम ओरिजिन को दे दिया ये 1 हो गई ये 2 हो गई ये 3 हो गई ये 4 हो गई ये 5 हो गई ठीक। अब जरा एक चीज एकदम धीरे धीरे चलना ये जो 4 है 4.263 ये किससे बड़ा है ये 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 तो 4 और 5 4 से बड़ा और 5 से छोटा ध्यान से देखते हैं ना 4 से बड़ा 5 से छोटा 4 से बड़ा और 5 से छोटा मतलब ये जो वैल्यू आएगी इसके बीच में कहीं है एक एक करके आगे बढ़ेंगे तो 4 और 5 के बीच में कुल कितने पार्टीशन होंगे अब 4 और 5 ही हो गया 4 और 5 ध्यान से समझ लीजिए ये 4 और 5 है इसको अब रीच करके क्या करना इसको थोड़ा ऐसे करके मैग्निफिकेशन कर देते हैं ऐसे बड़ा कर देते हैं इसे ये 4 और 5 बना लिए ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब 4 और 5 के बीच की डिस्टेंस को हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं 10 इक्वल पार्ट में इस डिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये वैल्यू पता है क्या कहलाएगी ये कहलाएगी 4.1 ये कहलाएगी 4.2 ये वैल्यू क्या कहलाएगी 4.3 ये क्या कहलाएगी 4.4 ये 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और ये 5 भाई आपने क्या किया 10 इक्वल पार्ट डिवाइड किए तो सब 0.1 में डिवाइड हो जाएंगे इक्वल पार्ट एक डिस्टेंस ले ली जैसे आपने एक सेंटीमीटर एक इंच नीचे लगाया एक इंच की डिस्टेंस उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए उसमें पॉइंट बने होते फटाफट पॉइंट लगाए और वैल्यू लिखी। अब क्या करना है अब जरा बताइए 4.2 अब देखिए ध्यान ये वैल्यू अब 4 और 5 के हिसाब से अब एक पॉइंट भी ले रहा है तो ये जो वैल्यू होगी ये 4.2 से बड़ी होगी ये वैल्यू 4.2 से बड़ी होगी और 4.3 से छोटी होगी देखिए ध्यान से ये वाली वैल्यू 4.263 4.2 से बड़ी है और 4.3 से छोटी है तो 4.2 और 4.3 के बीच का फिर से मैग्निफिकेशन कर दीजिए ऐसे बड़ा करके नीचे लाइन फिर से ड्रॉ कर दीजिए थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देते हैं आपको दिखाई दे दूर तक ये वैल्यू कौन है ये 4.2 है सर तो ये 4.3 है। अब इसके फिर 10 इक्वल पार्ट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तो ये वैल्यू पता है क्या कहलाएगी ये वैल्यू कहलाएगी सर 4.21 ये कहलाएगी 4.22 4.33 4.44 4.55 4.2 4.21 4.22 4. इस तीसरी वाली वैल्यू को जगह नहीं है तेरा कैसे लिखें ये देखो ऊपर यहां एक ऊपर लिख देते हैं नीचे लिख 4.22 4.33 4.4 33 नहीं भाई 23 लिखना है क्या बोल देते हैं क्या लिख देते हैं 24 फिर 4.25 4.26 4.27 4.28 एंड 4.29 एंड 4.30 ऐसे लिख दिया पॉइंट पॉइंट बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो अब हम कहाँ पहुंच गए हमारी वैल्यू का 4.26 कहीं है हाँ जी है सर ये है 4.26 ये वाली वैल्यू और ये 4.7 तो अगर इसको और इसको अगर मैग्नीफाई करेंगे रीच करेंगे इसको मैग्नीफाई करेंगे तो ये वैल्यू कहलाएगी 4.26 और ये वैल्यू कहलाएगी 4.27 अब इसमें 0.11 ऐसे बढ़ाएंगे जब 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 10 इक्वल पार्ट डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या बोली जाएगी ये बोली जाएगी 4.261 इसको क्या बोलेंगे 4.261 इसको क्या बोलेंगे 4.262 4.263 4.264 ऐसे किसको ड्रॉ करना है 3 को तो जहाँ ये 3 होगा वही पॉइंट जो आपका वही आपका आंसर बन जाएगा 1 ये 2 और ये जो वैल्यू है ये इसी को हम बोलेंगे क्या ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ये हो गया। ये प्रोसीजर आपको यूज करना है बेटा इस तरह से इसको मैग्नीफाई करके आपको काम करना होगा आया समझ में कि नहीं आया हाँ प्रोसीजर को समझने की कोशिश करें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कैसे कैसे सब फिगर बनाते चले जाएंगे बढ़ाते हुए बनाने पड़ेंगे है ना बनाने पड़ेंगे ठीक क्लियर है क्लियर हो गया हो तो ये जो वैल्यू है इसको रिप्रेजेंटेशन मतलब आपने क्या किया कि आपके पास जो छोटा सा स्केल था ये से था इसको
ऐसे करके मैग्नीफाई करके देखा तो ये बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, ऐसे बड़ा करते गए और लास्ट किस पॉइंट पे आए तो ये आपका 4.6263 को रिप्रेजेंट करके ये पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट का नाम बी दे देना और आंसर कर देना, ये आंसर होगा। इस तरह से आप मैग्नीफिकेशन भी करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको किताब में मिलेंगे, कॉपी में मिलेंगे, करिएगा, है ना। तो ये आपका जो टॉपिक था, अगली एक्सरसाइज। अब इसके बाद हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है विजुलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन पढ़ना था, पढ़ा दिया गया, समझा दिया गया, आप इसको करिएगा। इसके हर एक के दो दो तीन तीन सवाल अपनी कॉपी पे जरूर लगा लेना, फेयर कॉपी पे इनके दो 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 सवाल उसके, दो सवाल तीन सवाल इसके, क्योंकि ज़्यादा लंबे इसको बनाने की जरूरत नहीं है, पता लगे इससे इसी पे दिन भर बना रहे हैं, मैग्नीफाई करते चले जा रहे हैं, कॉपी भरते हैं, इससे कोई मतलब नहीं निकलना है ना। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा रिजुलाइजेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसको मिस नहीं करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, सबको लोग ध्यान से, उससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। रिजुलाइजेशन पढ़ना है और इंडेक्सेस पढ़ना है, ठीक है। हाँ, ये सब बातें हम अगले क्लास में करेंगे, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, आगे बात करेंगे कल।